हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद अक्सर लोगों के पैरों की बीमारियां फटने लगती हैं या वो सूख जाती हैं। आज हम आपको उसी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। नंगे पांव घूमने और सर्दियों में शारीरिक खुश्की से यदि पांवों की बीमारियां बुरी तरह फट गई हों और एड़ियों में दरार पड़ गई हो, तो उसके लिए आज हम आपको 3 छोटे छोटे उपचार बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रात्रि में सोने से पहले पैरों को हल्के गर्म पानी में सादा नमक या कच्ची फिटकरी का बारीक पाउडर डालकर उसमें पैरों को 5 से 10 मिनट तक डुबोकर सेकें। उसके बाद क्यूमिक स्टोन से रगड़कर मुर्दा चमड़ी को निकालकर पैरों को अच्छे से साफ कर लें। 25 ग्राम देसी मोम और 50 ग्राम तिल के तेल में मिलाकर गर्म करें। अच्छी तरह मिल जाने पर चौड़े मुंह की शीशी में भरकर रख लें और उसे फटी बीमारियों में भर दें। 1 सप्ताह में आपको इससे आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दोस्तों, हमारा दूसरा उपाय है, रोज उपरोक्त विधि से पैर साफ कर 2-3 मिनट एरंड के तेल की मालिश करें। इस मालिश करने से आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। आपको हफ्ते में कम से कम दिन में 2 बार डेली इससे मालिश करनी है। दोस्तों, हमारा तीसरा उपाय है, पैरों को रोज स्नान के समय अच्छी तरह क्यूमिक स्टोन, जिसे हम पैर साफ करने का छावा भी कहते हैं, से साफ करते रहें और उसमें बनाया हुआ मोम या किसी भी तेल की हल्की सी मालिश करते रहने से बीमारियां नहीं फटती। तो दोस्तों, ये हमने आपको पैरों की बीमारियों से जुड़े कुछ छोटे छोटे घरेलू उपचार बताए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम रोज़ इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे, जिसे आप देखना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।